तो वेलकम दोस्तों, तो वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब पे आप कस्टमर यूआरएल कैसे चेंज कर सकते हो, अपना खुद का यूआरएल कैसे ले सकते हो। तो आपको पता रहता था हम पहले ये यूआरएल कब आपको देखने को मिलेगा, जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब आप चेंज कर सकते हो यूआरएल। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी रोज की अपडेट रहोगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कस्टमर यूआरएल, पहले सबसे पहले क्राइटेरिया जान लीजिए, 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। और चलो फिर चलते हैं, आपको मोबाइल से करके दिखाऊंगा। तो मैं बता दूँ आप पीसी से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हो। तो चलो फिर कोई भी आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया। तो आप ऊपर देखोगे जो लिंक होता है वही होता है कस्टमर यूआरएल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के साइड यूट्यूब, तो पहले एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दिख रहा है चैनल के बाजू में, तो यहाँ पे ये होता है यूआरएल। तो यहाँ पे आपको अपना यूआरएल देना था, जैसे मेरा चैनल विशाल कामदार, तो मुझे आगे यहाँ पे विशाल कामदार से ही ओपन हो, तो यही होता है यूआरएल। तो आखिरकार आप समझ गए। तो इसे हम एडिट करने वाले और आपको सिंपल स्टेप में बताने वाले। तो चलो फिर स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना अपने जो भी यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने कर लिया हूँ। तो सिंपल सा चैनल पर यहाँ पे क्लिक करना है, लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ऊपर की साइड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जाना है वीप एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो वीप एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे से आप पूछ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो पहले चैनल आईडी, तो ये मेरी चैनल आईडी दिखा दे रही है, जो यूआरएल आपको बताया था वो है। तो आप कस्टमर यूआरएल देख सकते हो, तो यहाँ पे आप सिंपल सा आपको इजिबल बता देगा अगर आप हो। तो यहाँ पे नीचे क्लिक, हर पे क्लिक मत करना, यहाँ पे ऊपर की साइड ही क्लिक करना कस्टम यूआरएल। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट कस्टम यूआरएल। तो आपसे पूछ रहा थोड़ा दिखाई नहीं देगा, तो आपको पता है मोबाइल से कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही चॉइस करके बताया विशाल कामदार। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो नीचे से कर सकते हो विशाल कामदार, तो मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यूआरएल बता रहा है आपको ऐसे ओपन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल से आपको ये ले लिया जो भी, तो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो मैं कर दिया हूँ, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा तो कंफर्म मांगेगा, तो इसे एक बार कंफर्म कर देना। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको ये यूआरएल मिल जाएगा सिंपल सा, पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और मैंने इसको सिंपल सा कंफर्म कर दिया, कैन नॉट बी चेंज कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट, तो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लोड होने के बाद यहाँ पे सिंपल से यूट्यूब चैनल पे इंटरफेस कर दिया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चेंज हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हो अब दिखाई दे रहा होगा www.youtube.com/vishalkamdar। तो इस पे हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि ये चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गया मेरा, सिंपल सा वैसे ही ओपन हुआ जैसा यूआरएल था। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो अगर आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। तो मैंने आखिरकार आपको चेंज करके बता दिया सिंपल से। अगर वीडियो पसंद लाइक करना, और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली न्यूज़ आपको देखने, और आई बटन पर क्लिक करके और वीडियोज़ आप देख सकते हो मेरे चैनल पर।